हेलो एंड वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं सीएमडी के पार्ट 7 के बारे में, जिसमें आज मैं आपको कुछ कमांड्स के बारे में सिखाऊंगा और आप जानेंगे और कोई एक नई कमांड, जिससे आप कुछ ना कुछ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नया कुछ सीख पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में मैं जानकारी इसमें देता रहूँगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई कमेंट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको कई बार परेशानी आती है उसमें, क्योंकि उसका जवाब कई बार हम नहीं दे पाते हैं या और कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों इस सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर नीचे एक फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पर जाकर वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर दिए गए लिंक पर जाकर, उस वेबसाइट पर जाकर, उस पेज पर जाकर आप हमें इजीली फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से वीडियो का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा मिलेगा आपको, वहाँ पर जाकर नीचे आप कमेंट पे आपने जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं बेझिझक हो गया आप वो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं हमसे, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। दूसरा मैंने एक और लिंक दिया हुआ जो कि इंस्टाग्राम का लिंक है, जहाँ पर आप जाकर आपसे लाइव चैटिंग आप हमसे कर सकते हैं। दोस्तों हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको सिंपल से सिंपल वे में वो चीज़ कंप्लीट कर दी जाए, लेकिन फिर भी जो लोग पहली बार इन चीज़ों को यूज़ करते हैं उनके सामने कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आपको दोनों मैंने एक चैनल दिए हुए हैं, आप जाकर वहाँ पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर हमारे पर लाइक कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ना लगे तो ज़रूर बताइएगा क्या परेशानी है और किस टॉपिक पर आप और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपको सीएमडी के ऊपर जो हमारा पार्ट 7 है, आज मैं उसमें कुछ आपको नया बताने वाला हूँ। इसमें बेसिकली मैं आपको एक कमांड के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप विंडोज़ का जो यूज़र अकाउंट्स होते हैं उनको आप इजीली एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिकली क्या था दोस्तों, मैं इस सीएमडी सीरीज़ को बेसिक टू एडवांस की तरफ मूव कर रहा हूँ, जिसमें क्या होगा कि आपको बेसिक से एडवांस सारा पता चल जाएगा, आपको ये तक पता चल जाएगा कि कमांड प्रॉम्प्ट से हम कैसे कैसे वर्क कर सकते हैं और क्या क्या होता है इसमें, क्योंकि सारे काम तो हम ग्राफिकली करते हैं, सारा काम तो माउस से करते हैं, लेकिन अगर विदाउट माउस करना हो तो वो कैसे करे जाएंगे, वो सारी कमांड्स आपको मैं सीएमडी के अंदर पूरी पूरी कंप्लीट सीरीज में बताने वाला हूँ। तो आज बेसिकली हम करने वाले हैं एक कमांड जो कि हमें पहले सीख चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको उस कमांड का थोड़ा सा एडवांस वर्जन बताने वाला हूं, जिससे आप कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आज हम करने क्या वाले हैं। बेसिकली हम यूज़र अकाउंट को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक नवीन नाम का एक यूज़र अकाउंट बना हुआ है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ आप यूज़र अकाउंट को कहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कंप्यूटर पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पर जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास सबसे पहले ऑप्शन हमें पर मिल जाता है लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये जो भी आप यूज़र अकाउंट्स बनाते हैं यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आप यूज़र्स पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद अब अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखिएगा यहाँ पर तीन अकाउंट बने हुए हैं। तो एक अकाउंट यानी कि एडमिन जो अकाउंट है उसके नीचे कुछ एरो बना हुआ है, और गेस्ट के नीचे एरो बना हुआ है, नवीन नाम का एक अकाउंट बना हुआ है जिसके नीचे ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों इनका मैं आपको पहले से थोड़ा सा फंडा बता देता हूँ, क्या फंडा है इनका। जहाँ पर भी इस टाइप के कोई एरोज आ जाते हैं इसका मतलब होता है ये अकाउंट अभी एक्टिवेट नहीं है, मतलब ये है कि अगर आप इस अकाउंट से लॉगिन करना चाहेंगे तो एक्टिवेट नहीं होगा ये, मतलब आप लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको राइट क्लिक करके पहले बताता हूँ इसे एक्टिवेट कैसे करना होता है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाते हैं, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट डिसेबल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप जैसे इस अकाउंट को टिक हटा देते हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा ये अकाउंट आपका एक्टिवेट हो चुका है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यह अकाउंट आप इजीली यूज़ कर पाएंगे, कोई इसमें इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं इसे वापस से डिसेबल कर देता हूँ, जैसा था वैसे ही छोड़ देता हूँ, अकाउंट इस डिसेबल पे अप्लाई ओके कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब आप इस अकाउंट को यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कहने का मतलब ये है जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो लॉगिन स्क्रीन पर जहाँ नवीन आता था अब वहाँ पर एडमिन भी आएगा, लेकिन अभी मैंने इसे डिसेबल कर दिया तो नहीं आएगा। तो आज हम यही सीएमडी से सीखने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों को हम या कोई भी हम जो भी अकाउंट बनेगा उसको हम किस तरीके से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे यार इसका हमें क्या यूज़ है, इसका हम क्या यूज़ करेंगे, कहाँ पर हमें जरूरत पड़ता है। बेसिकली देखिए कमांड का जो यूज़ होता है वो कई टाइप से होता है। जैसे अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह जॉब करते हैं तो आपको ये कमांड्स पता होनी चाहिए कि भाई किस तरीके से अकाउंट को बनाया जाता है, एक्टिवेट डीएक्टिवेट करता है। और अगर मैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी यानी कहती है या लैगिंग के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम यूज़र अकाउंट को बना सकते हैं या एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि सारे काम तो उसी से ही करने होते हैं, हमें कमांड से करने होते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आपको स्टार्ट कराता हूँ किस तरीके से, और वापस हम अपने वैसे ही जैसे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सीएमडी मिल चुका है यानी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद
यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमने पहले एक हमारी जो 5 नंबर की स्लाइड है आप उसमें देखिएगा, 5 नंबर के हमारे पास हाउ टू ऐड यूज़र अकाउंट और डिलीट अकाउंट, वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप 5 नंबर वाली वीडियो उसको ऊपर आई बटन पे भी मैं दे दूंगा, उस पर जाके आप चेक करिए कैसे आप यूज़र अकाउंट को बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं, कैसे चेक करेंगे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं पहले चेक करता हूँ नेट स्पेस यूज़र, तो बेसिकली क्या काम करती है कमांड, ये नेटवर्क जो भी हमारे पास इसके अंदर यूज़र बने हुए उनको सारे हमारे सामने रख देगी। तो मैंने अभी तक आपको दिखाया था यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर गेस्ट और नवीन नाम के 3 अकाउंट बने हुए हैं, लेकिन 2 उसमें से डीएक्टिवेट थे, यानी कि वो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यूज़ बेसिकली कौन सा हो रहा था, ये नवीन नाम का हो रहा था। तो चलिए मैं अब आपको एक कमांड बताऊँगा जिससे आप इनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक ग्राफिकली भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से ये काम करता है। और मैं आपको इसमें एक साइबर सिक्योरिटी के ऊपर मैं कुछ सीरीज बनाने वाला हूँ, किस तरीके से आप बैच प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एडिनो बेस पे भी एक वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको पता चलेगा यार बहुत इंपॉर्टेंट है कमांड सीरीज आप जो अभी देख रहे हैं। तो चलिए मैं अब आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एडमिन के नीचे एरो आ गया, गेस्ट के नीचे एरो आ गया और बाकी नवीन, तो सिंपल है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक और अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, नेट स्पेस यूज़र स्पेस यूज़र नेम। तो यूज़र नेम हमने डाल दिया यहाँ पर रोहित, ठीक है। स्लैश मैं करूँगा यहाँ पर ऐड, यानी ऐड जाएगा। तो पासवर्ड डालना है नहीं डालना है वो आप देख लीजिएगा दोस्तों। अभी इसमें एरर डिनाइंड आ गया, एक्सेस डिनाइंड आ गया, वो क्यों आया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या काम किया था, कमांड प्रॉम्प्ट को डायरेक्टली ओपन किया था, रन एज एडमिन मैंने नहीं किया। तो रन एज एडमिन आप कर लीजिएगा, येस पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है ना, ये यानी कि जो आपका CMT है, इसके पास परमिशन होगी इनमें से किसी भी अकाउंट को एक्सेस करने, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए तो अब यूज़ करते हैं नेट स्पेस यूज़र। तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंट्स आ चुके हैं, तो पहले मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ नेट स्पेस यूज़र स्पेस यूज़र नेम। तो मैंने यहाँ रोहित बनाया और स्लैश ऐड कर देता हूँ, यहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं। तो देखिए अब कमांड सक्सेसफुली चल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इशू आएगा तो आप नीचे कमेंट पर जरूर बताइएगा क्या प्रॉब्लम आती है। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक नाम ही गलत लिख दिया, रोहित की जगह रोहित कर दिया। तो चलिए यहाँ पर हमें ये तो पता चला कि हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों ये अकाउंट यहाँ पर वर्क कर रहा है, अगर आप इसे लॉग ऑफ करके देखेंगे तो वर्क करेगा। मैं तो आपको लॉग ऑफ इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि लॉग ऑफ होते ही हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो रुक जाएगी, उसके बाद आप देख नहीं पाएंगे। तो पर आप अपने सिस्टम पर करके देखिएगा 100% वर्क करेगी। अब हम इसको अनेबल डिसेबल और एडमिन को भी गेस्ट को भी सबको अनेबल डिसेबल करके दिखाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। नेट स्पेस यूज़र और जो भी आपको अकाउंट यूज़ करना है, सबसे पहले मैं तो इसी को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम पहले मैं इसी को जो मैंने बनाया पहले तो मैं इसको यूज़ करके बता देता हूँ आपको। तो पहले आप करना क्या है, नेट स्पेस यूज़र स्पेस अकाउंट का नाम, जो भी आपने अकाउंट यहाँ पर देख रहे हैं आप, या फिर यहाँ पर जो आपको अकाउंट मिलेगा वो आप उनमें से किसी का भी नाम टाइप करिएगा। टाइप करने के बाद आप स्पेस का बटन दीजिए और यहाँ पर स्लैश बटन लगाइए। यहाँ पर स्लैश बटन को सिर्फ के बराबर में जो बटन मिलेगा आपको स्लैश, उसको प्रेस करिए। वहाँ पर प्रेस करने के बाद फिर आपको लिखना होगा, लिखना है और एक्टिव लिखने के बाद आपको यहाँ पर 2 कमांड होगी, या तो या एस या नो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। तो यहाँ पर कमांड देखिए सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर जाके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया था उसका जो आइकन है वो भी अब डीएक्टिवेट हो चुका है। इसका मतलब ये अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था ये इस समय डीएक्टिवेटेड है, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों इसे एक्टिवेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखना होगा, यस कमांड टाइप करने के बाद यहाँ पर आप रिफ्रेश करिएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये अकाउंट आपका एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से आपको एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट को एक्टिवेट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि नेट स्पेस यूज़र स्पेस यूज़र नेम। अब यूज़र नेम आपका कोई भी यूज़र नेम जो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो आप कोई भी आप यहाँ पर देख के कर सकते हैं। तो ADMINISTRPOR। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसे एक्टिवेट यस करूँगा ये एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे ये एडमिन अकाउंट हमारा एक्टिवेट हो चुका है, जो कि बाई डिफॉल्ट हम यहाँ से प्रॉपर्टी पर जाके करते हैं। अब मैं इसे फिर से डिसेबल करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सारे काम कमांड से ही होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, आप इजीली इनको सीख सकते हैं। आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा अपनी कॉपी में, आप इजीली इनको याद रख पाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं इसे आप नो करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये कन्फर्म हो जाए कि ये वर्क कर रहा है।
तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ से तो ये डीएक्टिवेट हो चुका है, तो मैं इसे एक्टिवेट करके दिखाता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर मैं यस प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे वो एक्टिवेट हो चुका है। तो पता चला आपको कितनी इंपॉर्टेंट कमांड है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इसमें वर्क करते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहिए।